बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को। आज का हमारा टॉपिक है आयल ट्यूब से पॉलिश करने का तरीका। तो अब मैं थोड़ा सा ये मिट्टी का तेल लूँगा ढिकन में। इसे मिट्टी का तेल भी बोला जाता है और इसे तारपीन का तेल भी कहा जाता है। और अब इसमें थोड़ा सा मैं आयल ये मिट्टी का तेल लगाऊँगा और ये ब्लैक कलर की मेरी आयल ट्यूब है और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अपने अंगूठे के साथ मिक्स करूंगा और अब ये अप्लाई करते हैं शीट पर। ये जो लसानी की शीट होती है जिस पे कोई कहते हैं कि पॉलिश नहीं होती, तो अब ऐसे में इसे लगाना शुरू कर देना है। ये है ब्लैक आयल ट्यूब। तो इसको अब और थोड़े सा मैं इसमें ऐड करता हूँ कि ये मेरा जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क हो। तो इसको अब फिर लेयर करते हैं ऊपर। तो अब ये मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप जितनी ज़्यादा इसको डार्क करेंगे उतनी डार्क आपकी ये प्लाई हो जाएगी, जिसे फार्मिका प्लाई भी बोला जाता है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं आयल ट्यूब लगाता हूँ और मिट्टी का तेल लगाता हूँ। हाथ अपने अंगूठे के साथ इसे मिक्स करता हूँ और फिर दोबारा इसके ऊपर लेयर करता हूँ। तो ये देखें अब आपके सामने हो रही है। तो जिस दोस्त को अगर समझ ना आए वो कमेंट करके बता सकता है, पूछ सकता है मुझसे, तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये इसके ऊपर अब मैं फिर एक कोट कर रहा हूँ, जैसे कि दोबारा लेयर कर रहा हूँ कि ये मेरी ना कलर ज़्यादा डार्क हो जाए। तो ये अब इसके ऊपर मैं आराम आराम से मलमल के पीस को लेकर तो ये ऊपर अप्लाई कर दिया। और अब चलते हैं एक और मलमल का पीस लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ये ट्यूब डालता हूँ मैं मिट्टी के तेल के साथ भिगो के। तो ये मैंने अब ब्राउन ट्यूब ऊपर इसके लगाई है और अब इसको भी अप्लाई करते हैं शीट के ऊपर, फार्मिका शीट के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे ऐसे। तो अगर आपने ज़्यादा काम कर रहे हैं, दरवाजे ज़्यादा हैं, तो आप स्टैंड बना लें इकट्ठा, ट्यूबों को मिक्स कर लें और अपने पास रख लें। ये ज़्यादा हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, अगर कम हो जाए तो शेड में फ़र्क आ जाता है। ये जितने भी कारीगर हों सब से फ़र्क आ जाता है, ये कोई बात नहीं है। तो इसके ये काम करने के लिए आपके पास तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर तजर्बा नहीं होगा तो आप अपने फर्नीचर या किसी भी चीज़ को पॉलिश कर रहे हैं तो आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अब ये ऑरेंज कलर की निब्राउन फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये जितना मैं इसको ज़्यादा अप्लाई करूँगा ये डार्क होती जाएगी, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी सी लाइट रखी थी तो इसमें से ना नीचे निशान नज़र आ रहे थे शीट के, जिस तरह वो होते हैं। तो अब ये इसके ऊपर और डार्क कर दिए। तो जिस दोस्त को ना समझ लगे, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मुझसे पूछ सकते। अब ये ऑरेंज ट्यूब लेते हैं। ये किसी भी पेंट की दुकान से आयल ट्यूब जितने भी कलर हैं ये सब मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ये ऑरेंज है आयल ट्यूब, ये 313 नंबर है। तो अब इसको मलमल के ऊपर लगाया मैंने, थोड़ा सा तारपीन का तेल लगाया मिट्टी का तेल। तो अब इसे भी अप्लाई करते हैं ऊपर ये। तो जो नए पेंटर हज़रात हैं, जो दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं, ये नहीं, मुझसे सीनियर भी हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे या कोई भी मेरे बताने में कोई फ़र्क हो तो भैया आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका अगली वीडियो में एहतियात के साथ फिर शूट करूँगा। तो ये अब इस पर अप्लाई हो गया है और इंशाल्लाह ना जल्दी नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं लॉक पॉलिश के ऊपर जो है ना वीडियो बनाऊँगा, तो उस पे जो वीडियो बनेगी ना वो प्रॉपरली सिर्फ सुंदरस और लाक पॉलिश के बारे में आपको बताऊंगा। ये तो आयल ट्यूब का सेटअप बता रहा हूँ आपको। तो अब ये देखें, तीनों कलर हैं मेरे, तीनों लग चुके हैं। ये ऑरेंज, ये ब्राउन
ये ऑरेंज, ये ब्राउन और वो ब्लैक है। तो ये देखें, आपने जितना भी लाइट करना है या डार्क करना है ये आपकी मर्ज़ी है। अगर डार्क ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर इसके ऊपर अप्लाई करें। तो ये आपकी जो नीचे स्टैंड, ये डार्क हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप वुड सीलर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं तो फ़िलहाल वार्निश लगाऊंगा। तो ये मैं साइड पे रख देते हैं। आप उठाते हैं ये एनामल, लकड़ी का पीस है। ये मैंने, सर्दियों का मौसम है तो ये मैंने कल रात का एनामल का पेंट 2 कोट लगा के रखा हुआ था। तो अब इसके ऊपर आपको बताते हैं कि यही जो स्टैंड है इसमें वार्निश नहीं मैंने डाली, ये सिर्फ मैंने ऑयल ट्यूब ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं वार्निश भी डाल सकता था, लेकिन आपको बताने के लिए कि वार्निश डाली जाए तो जोड़ पड़ जाते हैं। बड़ा कोई पीस हो या छत का पीस हो तो हल्की सी वार्निश लगा भी लें तो इतनी बुरी बात नहीं है। तो वो ये तजर्बे की बात होती है, जो दोस्त इस्तेमाल करेगा उसे प्रॉपरली पता होगा। तो चलो अब आप अप्लाई करते हैं एनामल के ऊपर। ये देखें आपके सामने मैं अब लेयर लगा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी थोड़ी सी लाइट है, इसे थोड़ी सी और डार्क करता हूँ मैं। ये एक कोड अप्लाई करके इसके ऊपर और थोड़ी सी डार्क करता हूँ कि आप लोगों को क्लियरली, दोस्तों को, सबको देख सकें। ये देखें जी, अब ये मैंने इसको डार्क किया है, ऑरेंज आयल ट्यूब और थोड़ी सी ऐड की है। तो ये देखें, ये आपके सामने अब उसकी रगें आ रही हैं। तो ये आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसके बाद हम लगाएंगे ब्लैक कलर। अब नया पीस लेके वो दोबारा ब्लैक कलर इसके ऊपर करेंगे। ये ग्रेन बनाने का तरीका है कि ये ग्रेन ऐसे भी बनते हैं, लेकिन मेरा नीचे जो शेड है ये मुख्तलिफ है। मैंने लगाया जो मेरे पास था, मैंने वही लगा दिया। तो फिर इसीलिए आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो इसको आप रहने देते हैं। इसको ऐसे सीधी लेयर लाइनिंग वाली लाक पॉलिश से, ये आयल ट्यूब से करते हैं। तो अब ये ब्लैक उठाते हैं, ब्लैक ट्यूब और लगाता हूँ थोड़ी सी इसके ऊपर। तो थोड़ा सा ये मिट्टी का तेल ऐड करता हूँ इसमें। तो ये अब इसकी भी लेयर करते हैं ऊपर। वो 3 पीस लगा कर रख दिए हैं, वो थोड़ी देर तक हो जाएंगे क्लियर, तो फिर आपको दिखाएंगे वो भी। तो ये देखें आपके सामने ऐड कर रहा हूँ ब्लैक ट्यूब और थोड़ी सी लगाता हूँ। ये देखें आपके सामने ऐसे नज़र आएगी। तो अब इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह अब इसको थोड़ा सा मैं निचोड़ लेता हूँ, ये इसमें ऑयल ज़्यादा लग गया। तो ये देखें, ये आपके सामने ऐसे लाइनिंग आ रही है। तो आप ये काम ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से ये इतना ख़ास नहीं होगा, ये मलमल के कपड़े से ही करना बेहतर होगा। तो ये देखें आप इसके ऊपर ऐसे ना, ये सीधे स्ट्रेट ग्रेन जिसे कहते हैं, जैसे वो लकड़ी के शेडें होती हैं एक साइड पे रखें, उस तरह से ये नुमाया होंगे आपके सामने। ये देखें, अब इसको ऐसे करते हैं कि इसको ख़त्म करते हैं। तो ये पूरे पीस के ऊपर अब आपको ब्लैक का बनाना बताता हूँ कि बिल्कुल ये स्ट्रेट कैसे लाइनिंग होगी। ऑरेंज कलर साइड पे लगा हुआ है, ये जब मैं इसको स्ट्रेट करूँगा सीधी लाइनिंग लंबाई की तरफ, तो ये वो भी इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। तो देखते हैं फिर ये कौन सा कलर निकलता है। अब इसको एक एक साइड पे रखते हैं और यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं चलेंगे। अब ऐसे मैं लेयर कर रहा हूँ इसको ब्लैक का एजू को। तो ये आपके सामने थोड़ा सा अब बड़ी हो गया फटा, तो ये लकड़ी का पीस थोड़ा सा बड़ा है, तो ये अब आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये देखें आपके सामने, अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग खींच रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये अब मुकम्मल हो गई है पूरे फटे पे। और अब इसको ना साइड से, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ अब मलमल के साथ सीधी ये लाइनिंग नज़र आएंगी।
ऐसे लगेगा जैसे ये लकड़ी की ओरिजिनल लाइन है। तो अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा सुखा लेता हूँ, मलमल मेरी ज़्यादा गीली थी, ये थोड़ी सी सूख गई। हाथ के ऊपर इसको थोड़ा सा रफ भी कर सकते हैं, या मलमल के कपड़े पे आप इसको थोड़ा सा घिसाएंगे तो ये तब भी खुश्क हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, अब आपके सामने मैं ऐसे थोड़ा सा एक साइड की तरफ सेंटर में ऐसे भी पीस लेता हूँ, और कोने में से कम और सेंटर से ज़्यादा, यह अब हो गया। अब दूसरी साइड से ऐसे करता हूँ, ये देखें अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये जो अभी तक बन चुका है, कि जैसे ये ना कोई लकड़ी का बड़ा पीस है और इसमें ना ये ऐसी है। तो आपने मुख्तलिफ कल साइड्स पे ये इसको लेयर करना है, तो इसका डिज़ाइन आपके सामने नज़र आएगा। अब देखेंगे आपके सामने है इसका डिज़ाइन, तो अब आप देख सकते हैं। तो अब ये इसमें वार्निश नहीं डाली, तो ये अब इसको एक साइड पर रख देता हूँ। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे सूखने में, क्योंकि मैंने इसमें वार्निश नहीं डाली, ये सीधी आई डी हो गई है। ठीक है, तो अब इसको उठाते हैं, उठा के एक साइड पर रखते हैं। तो अब वो जो पीस मैंने लगाए हुए थे, अब उनका प्रोसीजर बताता हूँ जो रह गया पीछे। तो उनके ऊपर अब वार्निश अप्लाई कैसे करनी है, तो वार्निश बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मिट्टी का तेल लें, उसमें से जितना आपका काम है, जितना आपका अपने हिसाब से दरवाजे कितने हैं वो आपने अपने पास रखने हैं, उस हिसाब से आपने वार्निश डालनी है उसमें, मिट्टी का तेल बना के एक दफ़ा रख लेनी है। तो आपने जब ये रख बनानी है, तो आपने ये ऐसा करना, कोई बेड हो या फर्नीचर हो या दरवाजे हो, तो आपने ना एक पीस लकड़ी का लेके ना उसके ऊपर भी अप्लाई करना है उनके साथ ही। तो आप उस पीस को हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये अब बन गए हैं ग्रेन, इसके ऊपर मैं हाथ लगाऊंगा ना, तो ये इसके ऊपर से आयल ट्यूब उठ जाएगी, तो वो बुरा लगेगा। तो अब आपको बताता हूँ ये कोने से इसके जो डिज़ाइन है, ये इसको और चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें जी, अब ये मैं कर रहा हूँ, इसको ऐसे एक साइड पे मलमल को इकट्ठा करके खींचना, तो ये इस तरह की एक लाइन टाइप बन जाएगी। तो मैंने खुश्क गद्दी नहीं लगाई, क्योंकि मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ दोस्तों को, कि अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको अब दोबारा फिर वैसे ही लाइन बनाऊंगा जैसे मैंने पहले बनाई है कोने में। तो ये देखें ना, अब ये अच्छी लग रही है, ये भी मुकम्मल कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही ये मुकम्मल होती है, फिर देखते हैं क्या होता है, आप दोस्तों को अच्छी भी लगती है अगर नहीं लगती। तो और एक बात ये भी है कि ये इस पे थोड़ा सा तजर्बा तो ज़रूरी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जिसको बिल्कुल तजर्बा नहीं होगा तो वो उससे अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। तो इसलिए ना इसको आपने किसी से पूछ सकते हैं, थोड़ा तजर्बा भी हो तो ये अच्छी बात है। ये आजकल का ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी दोस्त हो तो उसके पास कोई काम वाला लड़का हो, तो वो ना किसी को बताते ही नहीं है कुछ, के क्या बताना है क्या नहीं। तो वो जिसके पास कोई भी लड़का काम के लिए हो, वो कहते हैं ये मेरे पास ही लगा रहे, ये आगे कामयाब ना हो जाए, तो इसलिए उन्हें बताते ही नहीं है कि काम ऐसे इतना आसान है, उन्हें गाइड ही नहीं करते अच्छे तरीके से। वो 1 साल 6 महीने काम करता है, फिर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो छोड़ देता है। तो चलें, आप एक कोने में बना लिया, आप इस पीस के सेंटर में बनाते हैं, एक साइड पे उसकी ऑपोजिट साइड पे। तो ये देखें, ये आपके सामने अभी तैयार होता है, तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये अब कैसा लग रहा है। तो आपने कमेंट में बताना है कि ये कैसा बना है, ठीक बना है कि नहीं बना, आपको जैसा लगे आप वैसा मुझे बता सकते हैं। तो आप दोस्तों से अपील है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तो कमेंट भी अच्छा सा करें, और इसको शेयर करें, बस यही है। और तो मेरी आपसे कोई ना, इसके कोई पैसे हैं तो
तो सिर्फ मैं आप दोस्तों के साथ अपना जितना मुझे आता है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको एक बात और बतानी थी दोस्तों कि मैंने गुड बाय तो बोल दिया था, इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं भूल गया था, वो आपको अब बताता हूँ। अब ये तीनों पीस जो हैं इन्हें तकरीबन आधा घंटा हो गया, ये सूख चुके हैं, इन्हें अब उठाते हैं और इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करते हैं। वार्निश अप्लाई करने के लिए सबसे बेहतर आसान तरीका है, वार्निश को मिट्टी के तेल में डालें और उसको हल करें और ऊपर अप्लाई कर दें। इसके ऊपर वुड सीलर भी लगा सकते हैं आप, तो इसके ऊपर जो आपका दिल करे वो लगा सकते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर वार्निश लगा रहा हूँ, ये एक दफ़ा लगाइए इसकी चमक देखें। तो इसको दो दफ़ा लगाएंगे कि ये आपको अच्छा क्लियर नज़र आए, आपको समझ आए कि वार्निश लगने से ये कैसा लगता है। तो अब ये आप देखें, इस पे अप्लाई कर दी है वार्निश, अब दूसरे पे ब्राउन पे करते हैं। तो ये अब ब्राउन पे वार्निश लगाई जा रही है, ये देखें आप ब्राउन पे भी लग गई। अब ऑरेंज की बारी है, ऑरेंज पे लगा रहे हैं। चलें जी, इस पे भी ये वार्निश मुकम्मल हो गई। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कि ये थोड़ी सी सूख जाए वार्निश। इसकी चमक देख रहे हैं आप, अच्छी खासी लग रही है। तो इसके ऊपर जितनी ज़्यादा वार्निश आप 2 कोट 3 कोट लगाएं, 2 लगा दें, 3 लगा दें, ये ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगी। तो अब ये देखें, एक दफ़ा लगाई थी उसे तकरीबन आधा घंटा हो गया, वो भी सूख गई है। तो अब इसको ऊपर एक दफ़ा फिर वार्निश अप्लाई करते हैं। ये चलें जी, आप ये दूसरी दफ़ा वार्निश लगाते हैं इसके ऊपर। ये अब इसके ऊपर वार्निश लगा रहा हूँ, ब्लैक पे लगा रहा हूँ पहले, फिर ब्राउन पे लगाऊंगा, फिर ऑरेंज पे। और अगर किसी दोस्त को समझ ना आई हो या वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये देखें आप, दूसरी दफ़ा जब वार्निश लगा रहा हूँ तो इसकी चमक कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये अब ऑरेंज पे भी लगाता हूँ। तो इसलिए जी, वार्निश ब्रश से भी लग सकती है, लेकिन मेरे पास पीस छोटे हैं, मैं ये इसको गन में डाल के भी लगा सकती हैं, मैं इसको मलमल पे भी लगा रहा हूँ। ये देखें आप, दो दफ़ा मुकम्मल हो गई है। और ये देखें आप इसकी शाइन देखें, ये देखें, ये अब तो अच्छी लग रही है। और आप दोस्तों ने कमेंट में बताना है अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।